रेकी हीलिंग आसान है, असरदार है, आनंद में है। मैं आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम ऊर्जा को किस तरह से महसूस कर सकते हैं अपने हाथों से और हम इसको हीलिंग में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हमारे आसपास आभा मंडल है, बहुत ऊर्जा बह रही है और हाथों में बहुत ही अच्छे ऊर्जा के केंद्र हैं। तो इसे महसूस करने के लिए हम सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम एक हाथ को स्थिर रखेंगे और दूसरे हाथ को हम गोल गोल अपनी हथेली के पास, जितनी बड़ी हथेली है उतना बड़ा सर्कल बना के घुमाएंगे और उसको फिर छोटा करते जाएंगे बिल्कुल सेंटर की तरफ, और इस इंटेंशन से कि हम यहाँ पर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आपको हाथ घुमाते हुए हाथ में जो जहां जहां हाथ जा रहा है आपको बिल्कुल बिना छुए भी महसूस होगा कि हाथ किधर जा रहा है। असल में जब ऊर्जा वहां पर मूव कर रही है तो आपको पता चल जाता है कि हाथ की क्या स्थिति है। इसलिए आप आंख बंद करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो हाथ आपका स्थिर है आप बिना हाथ को छुए भी पता लगा सकते हैं कि आपका हाथ अभी कहां पर है। आप जब ये लगातार करते रहेंगे और इस तरह से ऊर्जा का बहाव अपनी स्थिर हथेली की तरफ आप बढ़ाते रहेंगे और ये कामना करते रहेंगे कि ये ऊर्जा का बहाव यहाँ पर एक अच्छी ऊर्जा का केंद्र बनाए और यहाँ की एनर्जी बढ़ाते रहे, धीरे धीरे आपको यहाँ पर ज्यादातर एक गर्मी महसूस होगी अपनी हथेली पर। कुछ लोगों को टिंगलिंग महसूस होती है, कुछ लोगों को प्रेशर जैसा महसूस होता है, तो सबका अलग अलग होता है, पर ज्यादातर हीट और टिंगलिंग महसूस होगी जिसमें कि आपको पता चलेगा कि जब आप ऊर्जा भेज रहे हैं या ऊर्जा ले रहे हैं। तो ज्यादातर इस चीज में आपको एक गर्माहट, पहले तो मूवमेंट महसूस होगी, उसके बाद हल्का सा प्रेशर महसूस होगा, उसके बाद आपको हल्की सी गर्मी महसूस होगी। ये ऑर्डर कभी कभी थोड़ा बहुत बदल भी सकता है। एक हाथ से करने के बाद, कुछ देर करने के बाद, जब आप 1-1.5 मिनट तक अच्छी तरह इसको महसूस कर लें, आप दोनों हाथ को आपस में एक बार जोड़ें और जिस हाथ को आप घुमा रहे थे उसको स्थिर कर लें और दूसरे हाथ को आप घुमाएं और इसी इंटेंशन से घुमाएं कि आप जो पहला हाथ है आप उस पर ऊर्जा दे रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाते रहें और आपको जो फीलिंग पहले, जो जब आपका लेफ्ट हैंड स्टेशनरी था आपको जो वो फीलिंग हो रही थी, अब वो फीलिंग आपको राइट हैंड पे होने लगेगी, बल्कि अब जो प्रेशर होता है और घूमने की जो आपको आभास होता है वो और ज्यादा तेज हो जाता है। इसके बाद आप एक छोटी सी और एक्सरसाइज करें जिसे एनर्जी बॉल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, अपने हाथों की ऊर्जा बढ़ाएं चाहे गर्म करके चाहे सिंबल डालकर, और अच्छी तरह आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ रगड़ के हाथों की ऊर्जा बढ़ाएं, फिर अपने हाथ बाहर की ओर खुलने दें जितनी दूर तक जा सकते हैं। आप आंख बंद रखना चाहें बंद रख सकते हैं, खोलना चाहें खोल सकते हैं, और हाथों को धीरे धीरे, बहुत धीरे 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 ऐसे करके एक कप जैसा बना लें हाथ का, और धीरे 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 करके अंदर को लेते आए। एक ऐसी जगह आएगी जहां पर आपको लगेगा कि एक आपने एक बड़ा सा एक गुब्बारा पकड़ रखा है, एक फ्लैसिड बलून जैसा हल्का सा प्रेशर महसूस होगा। इसके अंदर ना आए, अगर इसके अंदर आ गए तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जहां ये लिमिट कहीं भी हो सकती है, ये बिल्कुल हाथ खोले भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, बिल्कुल पास भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल धीरे 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 करके हाथ पास में लेके आए और एक स्थिति आएगी जहां पर आपको हल्का सा प्रेशर महसूस होगा। जहां पर आपको हल्का सा प्रेशर महसूस हो, कभी कभी हल्की सी टिंगलिंग भी महसूस होती है, आप वहां पर एक स्टीयरिंग की तरह अपने हाथ को घुमाएं। जब आप अपने हाथ को घुमाते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे आपने एक बड़ी सी बॉल अपने हाथ के बीच में पकड़ी हुई है। हाथों को बिल्कुल ढीला रखें, बिल्कुल भी टेंशन में ना आए। अगर आप अपने शरीर को बिल्कुल अकड़ा लेते हैं तो यह बड़ा मुश्किल से फील हो पाता है। आप बिल्कुल एक, और ये बॉल कभी कभी जब जैसे ही आपने हाथ खोले अंदर करना शुरू किया वहीं पे आपको प्रेशर फील होने लगेगा, यहीं पे आप हाथ घुमाने घुमाइए तो आपको यहीं पर वो बॉल महसूस होगी। इसको ज्यादातर एनर्जी बॉल एक्सरसाइज बोलते हैं, कुछ लोग ऊर्जा गेन बोलते हैं, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। और ये विधि जो एनर्जी है उसको महसूस करने की बहुत ही प्रचलित विधि है। इसके अलावा आप एक पानी के ग्लास से भी ये काम कर सकते हैं। आप एक पानी का ग्लास लीजिए, उसके ऊपर हाथ रखिए और थोड़ा ऊपर तक ले जा लीजिए। अब ऐसी जैसे हमने ये हल्का सा हाथ को कप करके नीचे की तरफ लेके आए थे, आप पानी के ग्लास की तरफ लाइए। एक स्थान पर आकर आपको हल्का सा प्रेशर महसूस होगा। जहां पे आपको हल्का सा प्रेशर महसूस होता है या टिंगलिंग होती है आप वहां पर रोक दीजिए, वहीं तक उसका आभा मंडल है। अब आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, खुद के लिए इस पानी के ग्लास को लीजिए, आप उसे बोलिए थैंक यू, आई लव यू,
पानी तुम हमें जीवन देते हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर तुम्हें सारी शक्तियों से भरपूर करे कि तुम सबका भला कर सको, हमें भी अच्छी ऊर्जा दे सको। अब आप दोबारे से ना पिए, आप देखेंगे कि जितनी ऊर्जा पहले थी उससे कहीं पहले आपको उसकी ऊर्जा मिलेगी, मतलब कि उसका आभामंडल भर चुका होगा। यह आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए है कि अच्छे शब्दों से, अच्छी कामनाओं से किसी भी चीज का आभामंडल अच्छा हो जाता है। अब जब आप हीलिंग करते हैं तो आपको हीलिंग करते हुए भी हाथ से ऊर्जा जाने या आने का आभास होने लगता है। कभी कभी इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ लोगों को एकदम पता चल जाता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता लेकिन उनकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो आपको अगर पता चलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इससे बिल्कुल भी टेंशन न लें कि हमारी हीलिंग किस तरह से होगी, तो भी आपकी हीलिंग अच्छी होगी। आपको जो ऊर्जा के जाने और आने का आभास होता है या कहीं पे ऊर्जा अगर असंतुलित है उसका आभास हो जाता है, इसका फायदा स्कैनिंग में होता है। जब आप स्कैनिंग करते हैं, अपना हाथ बिल्कुल मसल्स को बिल्कुल ढीला रख के, बॉडी को ढीला रख के, अपने माइंड को पूरा उस तरफ फोकस करके, आभा मंडल में सर से लेकर पांव तक धीरे धीरे करके हाथ नीचे लेके जाएं, और आपको धीरे धीरे आभास होगा कि किस किस चक्र के पास ऊर्जा ज्यादा जा रही है या आ रही है, कहां पर आपको लगेगा कि अच्छा। आप इंट्यूशन में इसमें काफी काम करता है, आपको पता लगने लगेगा कि कहां पे ऊर्जा की जरूरत है। यहां तक कि कई बार आपको ये भी पता लगने लगता है कि इस अंग में कुछ गड़बड़ है जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो इस तरह से आप स्कैनिंग कर सकते हैं और हाथ की सेंसिटिविटी इसमें बहुत काम आती है। अपने हाथ की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के जो ओवल डंबल्स आते हैं, ज्यादातर आपको पूजा की दुकानों में ये स्फटिक के मिलेंगे जो शिवलिंग पर लगाए जाते हैं छोटे छोटे, नहीं तो ये जहां पर भी आपको क्रिस्टल का सामान मिलता है वहां से आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको जैसे क्रिस्टल यूज करते हैं उसी तरह से यूज करें, बिल्कुल पानी में भिगा के, पहले ओवरनाइट नमक पानी में भिगा के उसको साफ करें, एक बिल्कुल अच्छी जगह पर रखें, अच्छी तरह उनको साफ करके रखें, अपने इंटेंशन से इनको चार्ज करें और दिन में कम से कम 5 मिनट इनको इस तरह से पकड़ के बैठें, हाथ में पकड़ के बैठें और अपना ध्यान करते हुए बैठें, या आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हुए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपनी मुट्ठी में इस तरह से क्रिस्टल को पकड़ के बैठते हैं, कुछ दिन में आपकी सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है। अगर आपके पास इस तरह के डंबल नहीं है तो आप और भी क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स, जैसे कि ये वाटर डंबल्स के लिए यूज होते हैं, रॉ डंबल्स हैं इस तरह के, या ये लैपिस लजुली का डंबल है, इस तरह के डंबल्स आप पकड़ के हाथ में बैठ सकते हैं। और कुछ नहीं है तो आपके पास अगर कोई स्फटिक की माला है, कोई पेंसिल है, कोई भी स्फटिक की जो चीज हो, आप उसे हाथ में रख के बैठिए, आपकी सेंसिटिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो हाथ से ऊर्जा को महसूस करना, उसको हीलिंग में इस्तेमाल करना आसान है और हर कोई इसको कर सकता है, और इससे हीलिंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है। आशा है इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।